हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आपके साथ में रिव्यू करने वाली हूँ हिलेरी रोड़ा HD हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। तो आप बोलोगे कि ये कौन सी कंपनी है, क्या है, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता इस कंपनी के बारे में। अब हम कहीं पर जाते हैं फाउंडेशन ख़रीदने, फाउंडेशन लेने, तो शॉपकीपर से बोलते हैं कि सीधे से कि हमें फाउंडेशन दिखाइए, या फिर अगर हमें कोई कंपनी का चाहिए होता है तो हम बोल देते कि इस कंपनी का दिखाइए। जैसे हम नॉर्मल फाउंडेशन पूछते हैं उनको कि है क्या, कितने का है, क्या है, तो वो हमें बस बताते हैं मैबलिन, फिटमी, लैकमे, आइडियस, ये सब ब्रांड्स बताते हैं। बट वो हमें लोकल ब्रांड्स कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो रेपुटेटेड ब्रांड्स होते हैं उनमें उनकी मार्जिन ज़्यादा होती हैं। दैट्स वाई हमको वो लोकल ब्रांड्स नहीं बताते, और लोकल ब्रांड्स सस्ते होते हैं और उनमें उनकी मार्जिन कम होती है, इसलिए नहीं बताते। इसलिए आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा, और ये इसकी प्राइस भी बहुत कम है। इसकी प्राइस है यहाँ पे दी हुई है 249। तो 249 में आपको शायद ही कोई फाउंडेशन अच्छा मिले हाई कवरेज देने वाला, लोकल बहुत मिल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो ये 24 आवर्स तक ठीक रहता है और वाटर प्रूफ है। सबसे मेन बात तो ये है कि इसकी वाटर प्रूफ है ये। अब इसकी पैकेजिंग भी आप देख लीजिए, और 35 ml का है, पैकेजिंग भी अच्छी खासी है, इसकी पैकेजिंग भी है अच्छी खासी। अब ये इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कि वो कैसा है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको ये अच्छा खासा। ये देखिए ऐसी इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग बहुत पसंद आई मुझे इसकी पर्सनली भी। तो अब देखते हैं कि ये है कैसा। ये देखिए इसमें है, सबसे पहले ये स्पॉन्ज आता है, ये जो है स्पॉन्ज आता है इसमें ही ऊपर, जो अगर हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं तो ये देखिए ऐसे लगाने में यूज़ होता ही है। और आप इसको स्क्वीज करके इस तरह से निकाल भी सकते हो, और ये भी यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो। तो ये देखिए मैंने ये लगा लिया है। अब मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी कि कैसा है। अब मैंने इसको यूज़ कर लिया है, इसको हम रख देते हैं यहाँ। अब ये देखिए, ये मैं इसको लगा रही हूँ, बहुत अच्छा है ये, पर्सनली मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छा है ये। किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, और ये कोई ब्रांड अच्छा नहीं है कि जो, मतलब ऐसा महंगा ब्रांड नहीं है, आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। ये देखिए, इसको मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी लाइट्स अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये देखिए, आपको डिफरेंस लग रहा होगा दोनों हाथों के बीच में कि ये हाथ, मतलब हाथों ये देखिए, इसको ही देख लीजिए आप, डिफरेंस लग रहा है ना आपको दोनों हाथों में, कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। मतलब आप खुद ही देख लीजिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों हाथों में। और ये क्या होता है, हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है, कवरेज भी हाई कवरेज देता है ये आपको। इसमें लिखा भी हुआ है वाइटनिंग सीक्रेट है ये, और साथ ही साथ इसमें आपको कुछ कुछ और भी फ़ायदे होते हैं इसके, जैसे स्पॉन्ज मिल जाता है। और अगर इसके कोई एक्सेप्शन देखें हम, तो एक्सेप्शन्स में आपको बस ये आता है कि इसमें शेड्स नहीं मिलते हैं, आपको एक ही शेड यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब देखिए आप, मेरे हाथों का जो है कलर थोड़ा डल है, फिर भी इसमें जो है ये, इसने ये वाला कर दिया है, इसको इस शेड तक ये चलेगा। लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा डल स्किन टोन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर उसके साथ साथ अगर आपका मीडियम स्किन टोन है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये, और उसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसमें से इसको परचेस कर लो। अब ये हो गई इसकी बात। अब अगर इसका कंपैरिजन हम करेंगे, मैंने लास्ट टाइम एक ADS का इनविजिबल फाउंडेशन का रिव्यू किया हुआ था, उससे अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज़्यादा वो ADS बहुत ख़राब था, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम मैबलिन फिटमी से इसकी अगर कंपैरिजन करेंगे तो यार वो थोड़ा अच्छा ब्रांड है,
ऑब्वियसली अच्छा है क्योंकि उसमें शेड्स वगैरह हैं अवेलेबल, ये उससे थोड़ा सा कम है, बट ये क्या होता है कि आप पॉकेट फ्रेंडली हैं। अगर आप बिगिनर हो मेकअप में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, साथ ही अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसा चाहिए, ऐसे कोई फाउंडेशन डेली यूज़ के लिए चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली भी हो और डेली यूज़ के लिए सूटेबल हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ का भी मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ अभी, इस पर ही दिखाती हूँ मैं आपको प्रूफ। तो ये देखिए, इस पर मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ये देखिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इसको, ये देखिए कहाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है इसमें, कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है, फिर भी आप देख सकते हो कुछ फ़र्क नहीं आया इसमें, है ना। तो आप बोलोगे अभी वाटरप्रूफ निकल नहीं रहा, तो वाटरप्रूफ मेकअप निकालने के लिए मेकअप रिमूवर होता है, आप उससे निकाल सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ऑनलाइन परचेज़ की लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उससे आप परचेस कर सकते हो इसको। और अगर आप मेरे जैसे आलसी हो, मार्केट जाके नहीं खरीद सकते, तो आप ऑनलाइन ही परचेस करो इसको। और इसका एक प्रॉब्लम भी, हम ऑनलाइन क्यों नहीं परचेस करते हैं फाउंडेशन वगैरह, क्योंकि उसके शेड्स हमें पता नहीं चल पाते कि क्या शेड्स हैं उसके, कैसे हैं, दैट्स वाई हम उसके परचेस नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक काम कीजिए, आप इसको ऑनलाइन ही परचेस कर दीजिए। 249 का है, ऑनलाइन में थोड़ा सा और कुछ आपको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे या फिर डिलीवरी चार्जेस नहीं भी लगेंगे, हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए ब्यूटी पर, कॉस्मेटिक्स पर, तो मुझे कमेंट कीजिए। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना कि अफोर्डेबल नहीं होती है, डे एंड नाइट क्रीम्स होती हैं जो अफोर्डेबल नहीं होती है, तो आप पहले देखना चाहते हो कि सच में क्रीम अच्छी है या नहीं, उसके बाद ही आप इसको ख़रीदना चाहते हो, तो मैं उसका रिव्यू करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का रिव्यू करना है, तो मैं उसका रिव्यू कर दूँगी आपको, आप अगर कमेंट करोगे तो। तो नेक्स्ट में वैसे ही कुछ ना कुछ आपके मनपसंद ही रिव्यू करूँगी। मुझे इसका एक लड़की ने कमेंट किया था कि हिलेरी रोडा की कोई क्रीम बता, मतलब इसका फाउंडेशन बता दो, मुझे भी नहीं पता था ये ब्रांड, बट मैंने ये देखा, परचेस किया और उसके बाद मैंने आपको इसका बताया। वैसे अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बता दूँगी उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।